स्वागत है आपका हिमपॉड के ब्लॉग। हम नए बगीचे लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए बगीचे लगाने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जो आपके लिए कारगर हैं। पहले सेब की पैदावार ही पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन बदलते ज़माने के साथ साथ अभी सेब मैदानी इलाकों में भी पैदा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में जाना यह जरूरी है कि आप किस तरह के पौधे का इस्तेमाल करके आप नए बगीचे को तैयार कर सकते हैं। सेब का बगीचा तैयार करने के लिए दो प्रकार के रूटस्टॉक प्रचलित में है। पहला है सीडलिंग यानी बीज द्वारा, जो कि बीज द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा है क्लोनल रूटस्टॉक, जो कि ग्राफ्ट द्वारा दो पौधों को मिला के एक नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे रूटस्टॉक कहते हैं। सीडलिंग और क्लोनल रूटस्टॉक में क्या अंतर है? दोस्तों, जो सीडलिंग का जो पौधा होता है, पौधे से पौधे की दूरी उसमें 10 से 15 फीट तक की होती है, जबकि क्लोनल रूटस्टॉक में पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 फीट तक, 3 से 4 फुट तक की। सीडलिंग में फसल आने का कोई निश्चित समय नहीं रहता है, जबकि क्लोनल रूटस्टॉक में निर्धारित समय रहता है। सीडलिंग के पौधे का आकार छोटा बड़ा होता है, वो एक समान नहीं होता है, जबकि क्लोनल रूटस्टॉक का समान अधिकतर बराबर। सीडलिंग में बीमारी का भय ज़्यादा रहता है, जबकि क्लोनल रूटस्टॉक में बीमारी का भय कम रहता है। सीडलिंग को सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि क्लोनल रूटस्टॉक के कुछ अधिकतर पौधों को सहारे की आवश्यकता होती है। सीडलिंग में पानी की आवश्यकता कम होती है, जबकि क्लोनल रूटस्टॉक में पानी की अधिक आवश्यकता। तो दोस्तों, ये थी जुड़ी बातें नए बगीचे लगाने से पहले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पौधा कैसे लगाएंगे, उसकी वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हमारे साथ हिमवाइड के साथ